एंड आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल RS बाइकर। सो अभी बहुत ऑफ टाइम पे व्लॉग की शुरुआत हो रही है, अभी बज रहा है 5:30, शाम होने वाली है। एंड अभी जो है वो एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ जो कि यूट्यूबर ही है। सोचा कि हाँ भाई थोड़ी बहुत व्लॉगिंग कर लेते हैं। एंड उसको क्या है, उसको थोड़ी मोटो व्लॉगिंग की टिप्स मुझसे चाहिए। एंड उसने जो है वो मोटो व्लॉगिंग सेटअप बनाया, तो उससे जो है वो मिलते हैं एंड उसके मोटो व्लॉगिंग सेटअप में अगर कोई करेक्शन है तो उसे बताते हैं। एंड बस यही है कुछ चीज़ें, बाकी चलिए जाते हैं एंड उससे मिलते हैं। सो हियर वी हैव द प्रो ऑफ व्लॉगिंग विथ अस। तो ये मेरा स्कूल का दोस्त है, मीत छिंगाड़ा नाम है एंड इसके चैनल का नाम है मीत छिंगाड़ा व्लॉग। सो ये व्लॉगिंग करता है एंड इसने जो है वो मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट की। सो मैं थोड़े बहुत मोटो व्लॉग बना था तो मैंने कहा भाई थोड़ा बहुत मिलते हैं, डिस्कस करते हैं क्या है कैसे है। एंड मैं भी जो है वो धीरे धीरे भी व्लॉगिंग की दुनिया में आ रहा हूँ एंड आई रियली एन्जॉय द मेकिंग द व्लॉग्स एंड व्लॉगिंग में मज़ा आता है। बट ये जो है वो ये सारे अभी प्रो हो चुके हैं क्योंकि ये डेली व्लॉग्स वगैरह करते हैं, तो मैंने कहा इससे मिलते हैं भाई, थोड़ी बहुत टिप्स भी लेते हैं। एंड इसने रिसेंटली जो है वो ये नया हेलमेट लिया है एंड नया जो है वो कैमरा भी लिया है। सो हियर यू कैन सी, ये है GoPro Hero 10। इस टाइम का जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है वो ये कैमरा है एंड आप देख ही सकते हैं भाई, बहुत तगड़ा कैमरा जो है वो इसने लिया है। सो देखिए, दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ दिस कैमरा, 5K तक रिकॉर्ड कर सकता है। सो इसने जो है वो भी रिसेंटली ही मोटो व्लॉगिंग चालू किया एंड देख सकते हैं पूरा जो है वो इसने सेटअप बनाया है, यहाँ पे क्लैंप सारे, नया हेलमेट एंड ये व्लॉग बनाता है एंड व्लॉग्स भी काफ़ी अच्छे बनाता है। तो इसके चैनल का लिंक जो है वो मैं आपको दे दूंगा या फिर आप गूगल सर्च कर सकते हैं मीत छिंगाड़ा व्लॉग्स, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। एंड बाकी इसने नया नया व्लॉगिंग सेटअप बनाया है, सो मैं जो है वो थोड़ा बहुत ट्राई करूँगा कि इस पर मोटो व्लॉग करने का। आई वॉन्ट टू सी द रिजल्ट बिकॉज मैं भी सोच रहा हूँ कि फ्यूचर में जो है वो मैं यही कैमरा लूँ, क्योंकि अभी DSLR लेके कोई मतलब है नहीं। इतना छोटा सा कैमरा अंडर वाटर शूट कर सकता है, 5K तक रिकॉर्ड कर सकता है, जो कि आज के टाइम पे बड़े बड़े DSLRs नहीं कर पाते। आई वॉन्ट कि जो है वो इस पर जो है वो थोड़ा बहुत हम व्लॉगिंग वगैरह ट्राई करेंगे एंड बस यही है। बाकी काफ़ी दिनों के बाद जो है वो दोस्त से मिल रहे हैं तो अच्छी वाली फीलिंग तो हमारे साथ है ही। बाकी चलिए भाई, इस सेटअप पे जो है वो थोड़ा बहुत मैं भी व्लॉग करता हूँ एंड रिजल्ट्स भी जो है वो मैं आपको स्क्रीन पे दे ही दूंगा। सो चलिए ट्राई करते हैं। सो दिस इज हाउ द सेटअप लुक्स लाइक। ये लग भी बहुत अच्छा रहा है क्योंकि भाई बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज है, तो अभी करते हैं व्लॉग डायरेक्ट जो है वो आपको इसी फ्रेम में जो है वो मिलता है। सो आज की सवारी है हमारी ये स्प्लेंडर। मैं भी रोज़ स्प्लेंडर ही चलाता हूँ एंड मीत भी जो है वो रोज़ स्प्लेंडर ही चलाता है। सो अभी जो है वो दिस इज हाउ द सेटअप लुक्स लाइक। मैंने सुना है कि GoPro की जो हाइपर स्मूथ जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल वीडियो फुटेज बनाती है। सो अभी तक मैंने जो है वो लैपटॉप में इसके रिजल्ट्स नहीं देखे। सो कमेंट्स में बताइए कि क्या इस सेटअप की तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं। एंड बाकी अभी मौसम बहुत तगड़ा हो रहा है, तो थोड़ी बहुत जो है वो बारिश आने का जैसा जो है वो मौसम हो रहा है एंड एकदम ही प्लेजेंट वेदर है। टेम्परेचर भी करीब 30-31 के आसपास है एंड बस चला रहे हैं दोनों भाई, धीरे धीरे राइड कर रहे हैं। एंड अभी ये भी प्लानिंग ही कर रहे थे अभी जस्ट अभी कि भाई फ्यूचर में जाते हैं भाई किसी लॉन्ग राइड पे एंड वहाँ पे भी जो है वो राइड वगैरह करते हैं, व्लॉग वगैरह बनाते हैं। बाकी जस्ट लुक एट दिस रोड, रोड बहुत ज़्यादा खाली है, बहुत ज़्यादा जो है वो लंबी, आप देख सकते हैं एंड तक रोड दिखती है। एंड मौसम की तो भाई क्या ही तारीफ़ की जाए, बहुत तगड़ा मौसम जो है वो अभी हो रहा है। एंड मैं जो है वो जनरली रोज़ वेगा वाला जो अपना हेलमेट है वो यूज़ करता हूँ, ये भी स्टील बड़ का है आई थिंक एंड उसी प्राइस रेंज में ये हेलमेट आता है। सो इसकी भी फीलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, पैडिंग वगैरह सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी है, प्राइस रेंज भी ऑलमोस्ट सेम ही है। सो बस यही है, रोड को थोड़ा बहुत एंजॉय करते हैं, राइड को थोड़ा बहुत एंजॉय करते हैं, बाकी गाड़ी चलाने में भी जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बस यही है भाई, दोस्त से मिले, अच्छी अच्छी बातें की, थोड़ा बहुत व्लॉग बनाया, सेटअप वेटअप देखा। We'll be right back.
अभी जो है वो एक मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ। सो अभी हमारे पास है दो डिवाइस। सो ये वाला जो फ्रेम है इसमें है हमारे पास आईफोन 12 एंड इस वाले फ्रेम में है हमारे पास GoPro Hero 10। सो टेल मी विच फ्रेम लुक्स गुड। सो चारों तरफ के आपको व्यूज़ दिखा देता हूँ। एक तो भाई ये व्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एंड मैं जो है वो क्वालिटी टेस्ट करना चाहता हूँ। सो टेल मी आइदर दिस लाइक दिस GoPro एंड आइदर दिस ये आईफोन 12 मिनी, किस में जो है वो डिटेल्स ज़्यादा बेहतर आ रही है। बाकी अभी जो है वो यहाँ पे खड़े हैं एंड थोड़े बहुत फोटोज़ वगैरह या थोड़े बहुत टाइम लैप्स वगैरह जो है वो लेंगे एंड दिस इज़ द GoPro। सो थोड़े बहुत फ़ोटोज़ लेते हैं एंड फिर मिलते हैं। सो अभी जो है वो यहाँ पे काफ़ी देर से खड़ा है एंड फ़ोटोशूट वगैरह सारी चीज़ें की। कैमरे में से जो है वो फुटेज थोड़ी बहुत ट्रांसफ़र कर रहा है एंड यहाँ पे हमारी बात हो रही थी लॉन्ग राइड को लेके। सो काफ़ी सारे लोग मेरी चैनल पर भी पूछते हैं कि भाई तूने अपने नाम में आर एस बाइकर तो लगा लिया बट कभी जो है वो बाइकर के नाम पे जो है वो बाइक राइड्स भी किया कर। सो मैंने अपना प्लान बताया इसको कि भाई एक जाते हैं छोटी सी राइड पे 100-150 किलोमीटर की। बट द थिंग इज़ कि अगर भाई घर से परमिशन मिल जाती है तो गियर वगैरह सारी चीज़ें जो है वो अरेंज करेंगे एंड ही इज़ ऑल्सो एक्साइटेड फॉर द राइड एंड इसको भी जो है वो अच्छा खासा इंटरेस्ट है। भाई साहब हमारी परमिशन तो ऑलवेज रेडी है, पापा ने कह दिया भाई तुमको जहाँ पर भी जाना है वहाँ पर जाओ एंड होप फॉर द बेस्ट कि घर से जो है वो परमिशन मिल जाए। एक बार परमिशन मिल गई फिर जो है वो तगड़ी राइड करेंगे, दोनों बाइक करेंगे साथ में, मोटो लोग दोनों बाइक करेंगे साथ में राइड एंड लोकेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो अगर परमिशन वगैरह सारी चीज़ें मिली तो सारा जो है वो राइड प्रिपरेशन के भी वीडियो बनेंगे। तब तक होप फॉर द बेस्ट एंड बस यही है। दोनों कर रहे हैं शूट एंड अभी जो है वो डेटा ट्रांसफ़र कर रहे थे। तो अभी हो क्या रहा है कि ये जो GoPro था उसमें से जो है वो इस फ़ोन में मैं डेटा जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा हूँ एंड बस यही है। बाकी आगे जो है वो अगर कुछ होता है तो बताएंगे। बाकी मिलते हैं जो है वो डायरेक्ट घर पे। गाइस क्वालिटी के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। एक्चुअल में हुआ क्या कि उस दिन जो है वो व्लॉग एंड करना भूल गया। सो भी एडिट कर रहा था तो मैंने कहा व्लॉग एंड कर देते हैं। सो उस दिन के बाद आई होप कि आपने जो टाइम लैप्स देखा वो आपको अच्छा लगा होगा। बहुत सुहानी सी जो है वो इवनिंग हमारी गुजरी एंड मेन पर्पज़ ये था कि भाई उसका जो सेटअप था उसको मैंने जो है वो ट्राई किया, थोड़ा बहुत कंपेयर किया एंड बाकी एक खुशखबर है कि अब जो है वो चैनल पे व्लॉग की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ने वाली है। सो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। बाइक के वीडियोस की फ्रीक्वेंसी भी जो है वो धीरे धीरे बढ़ने वाली है। सो वो भी स्टॉप नहीं होंगे। बाकी बस यही है। ये जो लास्ट सीन की क्वालिटी आई नो बहुत ज़्यादा गंदी है बट मैनेज कर लेना। सो बस यही था आज की वीडियो के लिए। बाकी मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राइड सेफ, लीव लॉन्ग एंड बाय बाय।